अब दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स में बहुत भाई क्या है कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई लखनऊ प्लांट टाटा के लिए, तो टाटा कंपनी का जो लखनऊ प्लांट में रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी दिनों बाद आ चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हो, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट हो रहा है डायरेक्ट कंपनी के तरफ से रिक्वायरमेंट हो रहा है, लेकिन हालांकि इसमें ये एक मुझे ख़राब चीज़ लगा कि आपको स्टार्टिंग में केवल 1 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, जो कड़वा सच है आपको ये मानना पड़ेगा। 1 साल के लिए कंपनी अभी फिलहाल रखेगी, हो सकता है आपको परफॉर्मेंस इतना बेस्ट हो कि वो हमेशा के लिए रख ली, लेकिन स्टार्टिंग में जो कंपनी ने बताया हुआ है वो 1 साल के लिए रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल 10वीं ITI से रिक्वायरमेंट है और 2 दिन कैंपस है, अच्छी खासी भर्ती है, आपको लखनऊ तक पहुँचना है, लखनऊ में ही ये कंपनी कैंपस लगा रही है। बाकी अगर बात करते हो कि आप यूपी के हो तभी अप्लाई कर सकते हो, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अदर आप अदर स्टेट से तो बिल्कुल ही जा सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है। आपको जाने से पहले खुद ब खुद यहाँ पर HR जो मैनेजर है, जो भी नंबर आपको दिख जाएगा, नंबर मैं दिखा दूंगा, तो उसमें आप बात कर लेना, इसके बाद आपको जाना चाहिए। बाकी टाटा मोटर्स बहुत बड़ी कंपनी है, पर बेनिफिट बहुत है और कंपनी का बहुत ही बड़ा माहौल है, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको 1 साल का दिया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा काम आता है। हो सकता है वो बहुत जो टाटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी के इनका जो प्लांट है पंत नगर उत्तराखंड में, और भी जगह प्लांट इनका, तो अगर मैं बात करूँ तो सानंद गुजरात प्लांट के लिए, तो यहाँ पर फिर ITI पास प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस माना जाता है और 15 से 16 हज़ार यहाँ पर 8 घंटे का सैलरी मिल जाता है, वो भी ओवर टाइम, यहाँ पर 110, 101, 102 इस तरह का ओवर टाइम चलता है। और टाटा कंपनी का ट्रांसपोर्ट सुविधा आप जानते हो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना बड़ा नाम है टाटा मोटर्स का, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सीधे ले चलता हूँ। तब दोस्तों हम लोग सीधे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको जो भी है चीज़ों को समझना है, अपने लेवल में समझना है, आपके पास जो भी टाइम है उसका सदुपयोग कीजिए और यहाँ पर एक एक चीज़ पहले समझ लीजिए, इसके बाद जो भी आपका टाइम अगर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि आपका टाइम बिल्कुल ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी और भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग फ्रेशर हो और अभी जॉब का जो भी अपडेट देखना चाहते हो डेली बेसिस में, तो आप www.itcampus.in जो आपके यहाँ पर मैं हाईलाइटेड करके दिखा रहा हूँ, इसे आप गूगल क्रोम में सर्च करके एक बार जॉब का अपडेट जो है तो डेली बेसिस में आप देख सकते हो। डेली यहाँ पर 3 से 4 जो तो जॉब का अपडेट दिया जाता है। अब चलते हैं अपने नए जो वीडियो में है, तो देखिए टाटा मोटर्स का जो कैंपस यहाँ पर आपको हाईलाइटेड कर रहा था, टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लगातार कंपनी का कैंपस है और यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, जो इटारसी में एक मध्य प्रदेश में कैंपस है और अल्मीरा कंपनी त्रिवेड़ी जो परमानेंट रोड में नोएडा की कंपनी के लिए, और PNG कंपनी का कैंपस है, बहुत सारी कैंपस का डिटेल्स है। लेकिन अगर अपन बात कर रहे थे टाटा कंपनी का, तो थोड़ा नीचे जैसे आप आते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाता है टाटा मोटर्स का, तो अपन इसमें क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जो पेज है वहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी प्लांट है लखनऊ प्लांट के लिए टाटा मोटर्स का रिक्ति जो अभी रिक्वायरमेंट निकाला गया है, बहाली है, वो जॉब लोकेशन आपका लखनऊ प्लांट ही रहने वाला है। लखनऊ दोस्तों अगर आप लोग डाउट हो रहा है, अगर आप मान लो अदर स्टेट से समझ नहीं आ रहा है लखनऊ कहाँ है, तो ये यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी की राजधानी है ये। और अब क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो अगर आप शैक्षणिक योग्यता की बात करते हो, शैक्षणिक योग्यता इन द सेंस ये समझो कि मतलब ये कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में, आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो भी मैं दिखा दूंगा, तो यहाँ पर उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता 10th पास हो और जो टेक्निकल जो यहाँ पर मतलब और 10th पास हो कोई भी स्टेट से हो, चाहे CBSE हो या आपका जो पर्सनल बोर्ड है, जो आपका MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या आपका जो भी स्टेट बोर्ड हो, उससे अगर आप पास हो ठीक है वो चल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन ही मांगा गया, टेक्निकल एजुकेशन में NCVT ITI पास था, चाहे SCVT हो या NCVT दोनों चल जाएगा, लेकिन ITI पास यहाँ पर रखा गया है, तो ये समझने वाली बात है। हालांकि आपको जो भी नंबर है उसमें आप बात कर सकते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए, लेकिन अगर आप लोग केवल 10वीं पास यहाँ पर जाना चाहते हो तो फिर मैं तो इसमें कन्फ्यूज हूँ दोस्तों, ये आपको कन्फर्म करके ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ITI कर रखी है और ITI कौन से स्टेट से, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर फिर जल सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ITI करने से कुछ नहीं है दोस्तों, ITI अगर पास हो तो कम से कम 60% उसमें आपका जो परसेंटेज है वो रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ITI पास है और चल दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना 60% कम से कम ITI पास आउट होना चाहिए। इसके बाद बात करता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं अपन, तो जो देखिए कंपनी क्या है, 2 दिन कैंपस लगा रही है, फर्स्ट डे की अगर बात करता हूँ तो 9 सितंबर को कंपनी कैंपस लगा रही है,
जिसमें क्या है ट्रेड अलग अलग लिए गए हैं, और जो 10 सितंबर को कंपनी कैंपस लगाएगी उसमें भी ट्रेड अलग अलग लिए गए हैं। तो फर्स्ट डे की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, आपको यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, पेंटर जनरल है, मैकेनिक ऑटो बॉडी, लगभग 6 ट्रेड रखे गए हैं। ये 9 सितंबर को कंपनी जब आएगी, टाटा कंपनी के आचार्य जो प्रतिनिधि रहेंगे वो इन सब ट्रेडों के लिए नियुक्ति देंगे। अब बात करता हूँ 10 तारीख का, जो नेक्स्ट डे कैंपस है इसमें लगे, 2 दिन का कैंपस है टाटा मोटर्स का लखनऊ प्लांट में, और सॉरी यहाँ पर लखनऊ जो अलीगंज आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज में, वहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, थोड़ा आप बने रहिए। तो 2 दिन का यहाँ पर देखिए, इसमें भी 6 ट्रेड रखे गए हैं दूसरे दिन भी, जिसमें कौन कौन से ट्रेड है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, और जो है तो टर्नर, मतलब लगभग टोटल 12 जो ट्रेड है वो आ जाएंगे इसमें। वेल्डर तो यहाँ पर शायद है नहीं, हालांकि है दोस्तों वेल्डर, यहाँ पर आप देखते हो वेल्डर ट्रेड भी है, यानी जो हमारे जो स्टूडेंट थे ज़्यादातर इन्हीं ट्रेड से आईटी कर रखे होते हैं, तो आप लोग लगभग सभी लोग यहाँ पर आ जाओगे। अब एज लिमिट की भी बात कर लेता हूँ, तो एज लिमिट कम से कम आपका यहाँ पर जो भी शर्ती लिखी गई है आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और अभ्यर्थी की जन्मतिथि ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद आपको कैंपस में जाना चाहिए। 1 जुलाई 2021 को जो आवेदक, यानी आपकी जो उम्र 18 वर्ष से कम ना हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो, यानी इसके बीच में ही रहनी चाहिए। अभ्यर्थी यानी जो स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2003 से 2 जनवरी 2093 के बीच ही होना चाहिए। तो आप ये मिला लेना अपने आधार कार्ड या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उससे एक बार मिला लेना, इसके बाद ही आपको जो है तो जाना चाहिए। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी रख रही है 1 साल के लिए, तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्लस में दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, टाटा कंपनी का, जो इसी के बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस में, एक रिक्वायरमेंट आती है सानंद गुजरात में, वहाँ पर लगभग टाटा कंपनी का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और 15,000 तक वेतन वहाँ पर स्टार्टिंग में दिया जाता है। तो आपका जो अगर आप काम अभी कर लेते हो तो वहाँ पर आप आराम से ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भर्ती होती है और भर्ती वो चलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे भाई पे छोड़ देते हैं। और वहाँ पर मैं बताया तो कि सुखमा सन्स एंड एसोसिएट एक कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप इनसे जो है तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी काम नहीं किया हो टाटा मोटर्स में, तो एक बार आप जाके यहाँ पर देख लो कैसा माहौल है। बहुत से भाई बताते हैं कि एक नंबर की कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो एक बार आप जाके ट्राई कर लेना। फिजिकली क्वालिफिकेशन, तो कंपनी क्या है ऑटोमोबाइल की कंपनी है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लंगड़ हो और इस तरह का हैंडीकैप्ड कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच जाए। तो रेयर केस में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर हैवी जो काम रह सकता है इस तरह का काम, आपको यहाँ पर गुड फिजिकल स्टैंडर्ड हो, हाइट वगैरह, मेडिकल फिट हो, ये सब चीज़ों का थोड़ा होना चाहिए, आपको चेक करवा लेना ये सब। हालांकि उसमें आपको मेडिकल तो होना ही है, लेकिन यहाँ पर ओवर भी आपको बताया गया है। अब बात करते हो नोट, कुछ चीज़ों को नोट्स में करना है, कितने पॉइंट में है, तो नोट यहाँ पर लगभग 4 पॉइंट में नोट दिया गया है, तो नोट यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्या नोट करना है हमें। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि आपको जॉब ट्रेनिंग का जो कंपनी का अप्रेंटिस स्कीम से कोई संबंध नहीं है। बहुत से भाई हमारे ये सोच रहे होंगे कि हम 10th पास आईटीआई से जा रहे हैं और अप्रेंटिस करके 1 साल बाद वापिस आ जाएंगे, तो अप्रेंटिस यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। आप डायरेक्ट कंपनी रोल में काम करने जा रहे हो और आपको 1 साल के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 2nd पॉइंट में यहाँ पर बताया गया कि आवेदक ने कंपनी में पहले किसी भी रूप में ट्रेनिंग या कार्य न किया हो। बहुत से भाई हमारे ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो अभी काम किया था टाटा कंपनी में और हम फिर जाएंगे, तो आप टाटा मोटर्स में किसी भी प्लांट, अगर आप बात करते हो कि लखनऊ प्लांट में, तो अगर आप लखनऊ के सोच रहे हो टाटा मोटर्स का जितने भी प्लांट है, अगर आप कहीं भी काम किए हो या किसी भी तरह का ट्रेनिंग किए हो, चाहे अप्रेंटिस हो, किसी भी तरह का अगर आप काम किए हो, तो आप फिर या इस कंपनी में फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं बात कर तो बहुत से भाई सवाल करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किस तरह, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप काम यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन वो आपको कन्फर्म करके ही जाना है, क्योंकि कंपनी ने साफ साफ ये नहीं बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3rd पॉइंट में, तो पहले किसी भी रूप में कंपनी में चयनित ना हुआ हो। दोस्तों बार बार इस चीज़ों को आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि बहुत से भाई ये गलती कर बैठते हैं, फिर वहाँ पर जाने के बाद उनको वापस आना पड़ेगा।
चौथे पॉइंट में अपन चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले जो 90 दिनों के अंदर यानी पिछले 3 महीनों के अंदर कंपनी की किसी भी चयन प्रक्रिया या कैंपस जो भी है अप्रेंटिस का ट्रेनिंग किसी भी तरह का जो कंपनी में आपने चयन प्रक्रिया में आप नहीं बैठे हो, नहीं शामिल हुआ हो, कोई भी कैंपस में आप ज्वाइन ना किए हों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो कंपनी के फैसिलिटी का, तो बेसिक से सुविधा आपको कंपनी में मिलता है कैंटीन का, ट्रांसपोर्ट का, ये लाभ ज़्यादातर जो कंपनी है 90% कंपनी में सुविधा मिलती है वही सुविधा आपको मिलेगा। बाकी बस की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लांट से लखनऊ शहर में अगर आप रूम वगैरह लेते हो वहाँ पर आने जाने के लिए बस आपको छोड़ देगा, आपको कैंटीन का खाना की सुविधा है, टाटा में बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों सैलरी का, तो सैलरी अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में हम 50,000 जाके उठाएंगे तो आप ये थोड़ा भूल जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी यहाँ पर है 10,500 रुपये है, वो 8 घंटे के सैलरी की बात यहाँ पर की जा रही है। बाकी अटेंडेंस अवार्ड है अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, यहाँ पर 500 रुपये बताया गया है, हालांकि ज़्यादा होता है लेकिन आप लोग क्योंकि 10th ITSE जा रहे हो अलग स्कीम हो सकती है कुछ, तो इसलिए आपको 500 रुपये बताया गया है। बाकी टोटल सैलरी अगर आपको बात करता हूँ तो 11,000 रुपये ही आप जोड़ भी सकते हो, 8 घंटे का 11,000 सैलरी आप यहाँ पर से काउंट कर सकते हो, और टोटल सैलरी है ये बता दी गई, ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का रहेगा और ओवर टाइम अगर लगता है तो ओवर टाइम का जो कंपनी का रेट है वो 100+ ही रहता है, यानी 100 रुपये जो है तो 1 घंटे का लगभग रहता है, इसके प्लस ही रहता है, तो वो भी ओवर टाइम का भी कुछ नहीं बताया गया। बाकी अगर आप ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको ओवर टाइम वहाँ पर डेली बेसिस में जो हालांकि चलता ही है तो आपको पैसा अलग से मिलता है अकाउंट में डायरेक्ट आपके आ जाता है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पर बहुत से भाई कन्फ्यूज होंगे, भाई हमारा तो आधार कार्ड है लेकिन पैन कार्ड नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैन कार्ड अगर नहीं बना है तो बनवा लो, भविष्य में किसी भी कंपनी में कहीं पर भी जाते हो आपको एक काम है बहुत काम आता है। बाकी आधार कार्ड तो आपके पास होना चाहिए, बैंक का फोटो कापी वगैरह अगर नहीं भी है तो खुल जाएगा, लेकिन आपको क्या मतलब, अगर आपके पास खुला हुआ है तो आप उसको लेके जाइए। 10th का मार्कशीट है आपका, ITI का मार्कशीट है, नेक्स्ट में अपन फोटो आपको कलर फोटो लेके जाना है, यहाँ पर 2 फोटो कम से कम आपका चाहिए, यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटो से कम से कम उसका फोटो कापी जेरोक्स करा करके जाना है। देखिए अगर आप लोग ज्वाइन करते हो यहाँ पर और कारखाना में जो भी इंडस्ट्री है, जो भी प्लांट है, प्लांट में अगर आप जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग लेटर ठीक है यहाँ पर गए कैंपस में मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, इसके बाद अगर प्लांट में जाते हो तो आधार कार्ड आपके हाथ में आपके साथ में वो रखा होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के लिए अनिवार्य कर दिया है कि प्लांट में अगर आप घुसते हो तो आधार कार्ड आपके पास हर कीमत में रहना चाहिए। अब बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट डेट का, तो हालांकि आपको जानकारी पता चल गई होगी ऊपर की 9 सितंबर को, लेकिन यहाँ पर एक बार आप कंफर्म भी कर लेना अपने हिसाब से, देख लो इसको कि 9:30 बजे से कैंपस सुबह से स्टार्ट होगा, 9 तारीख को भी लगेगा, 10 तारीख को। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर लोग पूछ रहे होंगे कि हमने बिल्डर से किया हुआ है तो हम कौन सी तारीख को जाएँ, तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमने बताया था कि जो ट्रेड है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बताया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो फर्स्ट डे कैंपस है उसमें कौन कौन से ट्रेड वाले भाग ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया है, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। बाकी अगर सेकंड डे जो कैंपस नेक्स्ट डे लगेगा उसमें भी मैंने बताया कि कौन कौन से कैंपस वेट में जो IT ट्रेड है वो भाग ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर देख लेना, आराम से देखने मिल जाएगा। अब थोड़ा चलते हैं अपन जो जहाँ पर थे, तो देखिए कैंपस 9 सितंबर 10 सितंबर को सुबह दोनों 9:30 बजे से स्टार्ट दोनों दिन। बाकी कैंपस लेक्चर में समय से पहुँचे हो तो बताने की जरूरत नहीं है। और ITI जो देखिए ITI गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलीगंज लखनऊ में, आप गूगल में सर्च करते हो तो एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप इनसे बात भी कर सकते हो। ध्यान दें दोनों कैंपस सिलेक्शन एक ही ITI में किया जा रहा है। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट, बट आपको अप्लाई करने से पहले एक बार अपने लेवल में जाँच जरूर कर लेना है। इंपॉर्टेंट नोट्स, देखिए कोविड का दौर चल रहा है तो आपको कोविड के जो भी गाइडलाइंस है आपको फॉलो करना चाहिए, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है आपको ये सब काम करना है। हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट गो, आपको कैंपस में मोर डिटेल्स में अगर मैं बात करता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों कॉलेज के द्वारा निकाला गया है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है, आप इसको जूम करके देख लेना, अगर आपको सही से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हो। तो ये है आप पूरा नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया, आप गूगल में सर्च कर लेना गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ डालते हो तो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो उनसे आप बात कर सकते हो। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगले वीडियो में।